कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने लोगों से मिलजुलने, बात करने, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और लोगों में ऊर्जा बढ़ाने के लिए। अगर आप हमसे ये पूछेंगे खास कर हम मुंबई में क्यों हैं, तो गौ संरक्षण के लिए है, सनातन धर्म के लिए, अपने प्यारे महाराष्ट्र भाई और बहनों से मिलने जुलने आए हम। अब तीसरी मुद्दा बहुत अच्छा पूछा आपने हमसे कि जब एमपी इलेक्शंस हुए यहाँ पर, तो तब भी हम लोग आके यहाँ पर काफी स्टार कैंपेनिंग किए, आने वाले चंद महीनों में यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हाँ, आप जिस प्रकार से मैं सवाल कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि शायद हमको काम शुरू कर देना चाहिए। हमें आपके सवाल से एक नया ऊर्जा मिल रही है आज कि हम अभी से प्रारंभ करेंगे काम करना, क्योंकि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं हमसे, उससे हमने एक सबक सीखा है। पूछिए क्या सबक है, कि अब के बार घी सीधी उंगली नहीं निकलेगी। प्रजा तो बड़े सीधे हैं हमारे, वोटर्स तो हमारे बड़े सीधे हैं, लेकिन जो प्रत्यर्थी है हमारे, उनकी जो चाल चलन है वो बड़ी अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार से वो लोग मॉर्फिंग करके हमारे बड़े लोगों का वीडियोस छोड़ते हैं, जिस प्रकार के गलत गलत मतलब हमारे हर बात का निकाल कर प्रजा के दिमाग में एक गंदी सोच विचार डालने की हमेशा कोशिश करते हैं, अब की बार वो कामयाब नहीं रहेंगे, ना रह पाएंगे। इसके लिए हम दिलो जान से काम करेंगे, सारा भाजपा भारत देश में एक बनकर काम करेगा, और अब की बार हर वोटर तक हम पहुंचेंगे और उनमें एक ऐसा सच्चाई को जागृत करेंगे ताकि वो सतर्क रहे इन देश के दुश्मनों के हवस में ना आए और उनके बातों में ना पड़े और देश को एक उज्जवल भारत की ओर लेके जाए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है, ये वही शख्स हैं, शंकराचार्य हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की जो रामलला की मूर्ति हुई थी उसका उन्होंने विरोध किया था। आज मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी से उन्होंने मुलाकात किया है, उनको मुख्यमंत्री भावी होने का आगामी विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। साथ ही उनके साथ जो पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे अलग हो गए, उन्हें विश्वासघाती गैर हिंदू बता रहे हैं वो, उसको किस तरीके से आप देखती हैं? भैया, इस देश में जो फंडामेंटल राइट है, ये राइट के हिसाब से सभी को अपने अपने बात कहने का हक है। अभी शंकराचार्य जी मठाधीश पूज्य कुछ बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कुछ दिनों के बाद वो स्वयं किसी न किसी दिन एक मिनट के लिए बैठकर शायद सोच विचार करेंगे। हम तो अपने प्रधानमंत्री के सच्चाई और धर्म के पद जो लेकर निकल पड़े हैं उसको मानते हैं, क्योंकि परसों अंबानी जी के विवाह महोत्सव में भी हमारे मोदी जी और मोदी भाई का संस्कार यही था कि उन्होंने नमन की है मठाधीश को। इसका मतलब है हम बड़ों को पूज्य तुल्य देखते हैं, हम उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध में कोई बात नहीं करते हैं, यही सनातन धर्म का संस्कार और संस्कृति है। अब यही अपेक्षा हम बड़ों से करते हैं, वो सच्चाई का साथ दे और आशीर्वाद दे। जो वो कहना चाहते हैं, उनका मन की इच्छा है, वो कह सकते हैं। आध्यात्मिक नेता या धर्म गुरु को आपको नहीं लगता है राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग उन्हें देखते हैं, अगर इस तरीके का कुछ राजनीतिक टिप्पणी करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं जो है माइंड डाइल्यूट होने का अंदेशा होता है, या उनकी खुद की जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं उससे असर पड़ता है। क्या आप मुझसे ये सवाल कहना चाहते हैं कि एक मठाधीश को ये बात समझाने के स्थिति में मुझे रहना चाहिए? शायद नहीं। मैं एक मठाधीश जी स्वयं समझते हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनको क्या बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें कई लोगों को सिखाना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को भी सिखाना पड़ेगा, कई लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो जितने लोग जितने बात कही है इस देश के प्रति, जो सही नेता जो जयपाल अस्तीन कहा है उसको भी सिखाना पड़ेगा हमको। तो हम उनको क्या सिखाए जो उम्र में भी बड़े हैं और अपने आप को सीख में भी बड़े कहते हैं। बस हम यही चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्म और हिंदुत्व और इस देश की शांति कामना को एक स्थिर रूप में रखने की प्रयास भाजपा करते आ रही है, करते रहेगी। इस देश के हर नागरिक के प्रति
हम भाजपा के तरफ से सच्चाई से धर्मबद्ध काम करना ही सीखे हुए हैं। जो अपने 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 जो क्या क्या कहते हैं अपने व्यूज व्यक्त करना चाहते हैं वो उन पे आ रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भत्ता देने का लेकर ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ वो अपील कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो राइट्स हैं मुस्लिमों के जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो खासतौर पर मुसलमानों को अधिकार दिया गया है उसमें इंटरफेरेंस है ऐसा उनका मानना है, इसलिए उस फैसले को चैलेंज करेंगे कोर्ट में। इसको कैसे देखते हैं? यही कहते कहूंगी मैं कि स्त्री को क्या अभी भी ये लोग स्वेच्छा नहीं देना चाहते? क्या स्त्री को 21वीं शताब्दी में भी आप हक देना नहीं चाहते हैं? क्या स्त्री को आज भी अगर कोई धोखा परिवार से या पति के घर से होता है क्या उसका मदद मिलना इतना बड़ा गुनाह है? जो जो इसको रद्द करना चाहते हैं इसके खिलाफ है उन सब, सिर्फ इस्लाम ही नहीं इस्लाम के स्त्री के प्रति भी ये लोग विरोध है, उसके दुश्मन है। जब ये बात एक मुसलमान स्त्री जान जाएगी तो वो एक नया दौर इस्लाम में लेके आएगी और वो सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा कर पाएगी। बस हम यही चाहते कि हमारे कौम जो स्त्री का कौम है हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे मुसलमान बहनों का न्याय हो, धर्म हो, इसी प्रकार के भारत देश के सुप्रीम कोर्ट उनके साथ ठहरे और उनका हर दुख समझे और हम भी उनके साथ। सात राज्यों के अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत के साथ आई है, 10 सीटें उन्होंने जीती है। राहुल गांधी से लेकर हर विपक्ष के नेता ने इसका मखौल उड़ाते हुए निशाना साधा है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, भाजपा कर रही है, एनडीए कर रही है, लोगों के मन में अभी भी वो विचार है और उसी का नतीजा ये बाई इलेक्शन में निकला है। क्या कहेंगे? जो उनको कहना है कहने दीजिए, जैसे कहेंगे तो वो भड़ास कम हो जाएगी, शांति मिलेगी उनको। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे राहुल जी को शांति मिले, कांग्रेस को जरा शांति मिले, जरा शांत हो जाए, थम जाए वो लोग। हमको जो काम करना है काफी काम है, जो देश के प्रगति के बारे में सोचना है वो कितना भी तड़पेंगे कितना भी फड़फड़ाएंगे तो उनका तो अभी आने वाला नहीं है उनका प्रशासन राष्ट्र में। हमारा ही एनडीए ही रहेगा और हमें काफी काम करना है। ऐसे बातों में हम क्या वक्त गुजारे बताइए, आप भी काफी है देश के प्रगति के तरफ काम करने के लिए। तो कह रहे हैं अगस्त में सरकार गिरने वाली है, तो वही कहती हूँ ना, जो सुबह सुबह सपना देखते हैं तो उनको शायद आदत पड़ गई होंगी सुबह के सपना देखने। देखने दीजिए, हक है सबका सपना देखना, हक है सबका कहना इस देश में। लालू भैया को भी कहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम ताली यहीं से बजा देंगे उनके लिए। आखिरी सवाल, अंबानी अडानी को लेकर लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठते हैं। दो परिवारों को मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है, उनको दे दिया, गिरवी कर दिया है, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जब उनके बेटे की शादी हो रही थी तो उस फंक्शन में हर विपक्ष का नेता लगभग दिखाई दे रहा था गांधी परिवार को छोड़कर। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भैया मोदी जी के बारे में जो जो कहते हैं, मोदी जी को क्या अपने साथ लेके जाना है? वो तो स्वयं एक ब्रह्मचारी है, उन्होंने अपना सब त्याग कर देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। ना उनको मोदी अदानी जी साहब का आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है, या उनको रिलायंस के अंबानी भैया आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है, वो देश के प्रगति के तरफ सोचने वालों में से है। इस प्रकार के विचार हमारे हैं, प्रतिपक्ष के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन अगर गांधी का फैमिली नहीं आई है तो मुझे इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है भैया कि उनको न्योता गया है या नहीं गया है। तो अपना अपना मर्जी है, कोई बुखार हुआ होगा, न्योता नहीं गया होगा। अब हरेक के शादी के बारे में बैठकर मैं कहां आपसे बात कर पाऊंगी भैया। धन्यवाद।